नमस्कार दोस्तों, यह एपिसोड नंबर 10 है। इसमें यात्रा पंतरणी से लेकर बाबा जी की गुफा तक की है। तो चलते हैं आगे की यात्रा में। आज 4 जुलाई थी और हम लोग आज हमें यात्रा पंचतरणी से बाबा जी की गुफा के लिए करनी थी। आज हम सुबह जल्दी 4 बजे ही उठ गए शौचालय के लिए। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था अन्य स्थानों के मुकाबले कुछ कम थी। टेंट के पास 3-4 शौचालय थे, उसमें बहुत भीड़ लग रही थी। यहाँ पानी, गर्म पानी भी मिल रहा था। एक बोतल के लिए वे 20 रुपये और बाल्टी के लिए 50 रुपये ले रहे थे। सुबह 7 बजे तक हम लोग पंचतरणी से गुफा की 6 किलोमीटर यात्रा के लिए तैयार थे। हम लोग सुबह के नाश्ते के लिए भंडारा ही पहुँचे। भंडारे में बहुत लाइट नाश्ता दलिया लिया। कल शेषनाग में हमें जो पिट्ठू के लिए परेशानी हुई थी, उसे देखते हुए आज पंचतरणी में हम सब पिट्ठू की खोज के लिए तैयार हो गए। हमें एक पिट्ठू वाला मिल गया। इस बार 500 रुपये में पंचतरणी से गुफा के लिए मिला। हमने उसे अपने साथ साथ चलने के लिए कहा। मैंने उसका आई कार्ड और उसने मेरा यात्रा आई कार्ड अपने गले में डाल लिया। पंचतरणी में हेलीपैड भी है। यहाँ पर पहलगाम और बालटाल से हेलीकॉप्टर सुविधा द्वारा पहुँचा जाता है और यहाँ से गुफा 6 किलोमीटर रह जाती है, जिसे घोड़े या पालकी द्वारा पूरी की जाती है। पंचतरणी से आगे बढ़ते हुए पहले 2-2.5 किलोमीटर काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी। नीचे से हमें टॉप तक पहुँचना था। जब हम नीचे से देख रहे थे तो लग रहा था कि कैसे पहुँचेंगे। धीरे धीरे हिम्मत करके हम आगे बढ़ते रहे और हम लोग टॉप पर पहुँच गए। यहाँ से यात्रा थोड़ी आसान थी। इधर से होगा ना रास्ता, यहाँ से आ जाओ। अब सारे जगह रास्ता यही बनाएंगे क्या? उधर से चलो ना। अब हम पंचतरणी से गुफा के रास्ते में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं नीचे से हम आए हैं और यहाँ से हमें वो टॉप पे आप देख सकते हैं वो जो रास्ता बना है वहाँ जाना है हमें। ठीक है, थक भी रहे हैं। आप देख सकते हो रास्ता कैसा है। आप बताइए। ठीक है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेस लगी हुई है, थक भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, ऊपर तक जाम लगा पड़ा है। अगर किसी को हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी होती है तो बालटाल और पहलगांव से हेलीकॉप्टर पंचतरणी आते हैं। और यहाँ से जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं वे लोग या तो पालकी या घोड़ों के द्वारा बाबा जी की गुफा में पहुंचते हैं। यहाँ इस रूट पे हमें बहुत से हेलीकॉप्टर दिखे जो उड़ान भर रहे थे। हम लोग संगम के निकट पहुंच गए। संगम वह स्थान है जहाँ पर बालटाल और पहलगांव का रास्ता आपस में मिलता है और हमें दूर से ही बालटाल से आने और जाने वाले लोग दिखाई पड़े और रास्ता भी दिख रहा था और हमें गुफा भी दिखने लगी। अमरनाथ जी की गुफा के पहले दर्शन देखते ही मन
बहुत प्रफुल्लित हो गया। जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने का मन करने लगा, पर अभी भी हम गुफा से 3 किलोमीटर दूर थे। मेरे पीछे जाओ तुम बस। जय बाबे जी, जय बाबे जी, आगे बस। हाँ हाँ, देख रहा हूँ। शाबाश शाबाश, बैठ पीछे बैठ पीछे, सब आ रहे, सब गया हमारे साथ है मैडम, आप आगे झुक के रहो। मैडम मैडम, हुकूमत बोला बोला बोला, बच के बोला, बच के बोला, तो बच्चों सामने सामने सामने। धीरे धीरे करके हम लोग 10:30 बजे तक बाबा जी की गुफा से 2 किलोमीटर पहले जहाँ हमारे टेंट थे वहाँ पहुँच गए। राजे जी द्वारा बताए गए दुकान नंबर T20 रफीक जी की दुकान पर पहुँच कर उनसे मिले तो उन्होंने एक टेंट हमें दिला दिया। वहाँ अपना सामान रख के थोड़ी देर हमने विश्राम किया। उसके बाद बारी बारी से स्नान करने गए। गुफा के पास 50 रुपये गर्म पानी की बाल्टी मिल रही थी। स्नान करने के बाद हम लोग अमरनाथ जी की गुफा के लिए तैयार हो गए और भोले बाबा जी की गुफा के दर्शन के लिए तैयारी करने लगे और 1 बजे करीब हम लोग दर्शन के लिए चल पड़े। मैं अपना मोबाइल ले गया था ताकि वहाँ से पर सुंदर सुंदर फ़ोटो ले सकूं, और बाबा जी की गुफा में मोबाइल ले जाना मना था, तो कुछ फ़ोटो बाबा जी की गुफा की सीढ़ियों के पास ही खींचने के बाद अपना मोबाइल प्रसाद वाली दुकान में रखना पड़ा जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद खरीदा था। उसके बाद हमने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। धीरे धीरे करके मन में उत्साह बढ़ रहा था कि आज हमारी यात्रा सफल होगी, बाबा जी के दर्शन होंगे और अमरनाथ जी के जयकारे लगाते हुए हम लोग बाबा जी की गुफा में पहुंच गए। वहां पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम गुफा में 1/2 घंटे करीब रहे और बहुत अच्छे दर्शन किए। हम लोगों ने गुफा से नीचे उतरने के वक्त हमने सोचा कि 2 तो बज गए हैं और 4 बजे तक हमारी भोले जी की सेवा समिति की टीम भी दर्शन के लिए आएगी। हम यहीं गुफा के पास उनका इंतज़ार कर लेते हैं क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद फिर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, इसलिए हम लोग वहीं सीढ़ियों पर उनका इंतज़ार करने लगे और बार बार हम लोग गुफा के दर्शन भी करते थे। 5 बजे के करीब हमारी टीम भी वहाँ पहुँच गई। हम उनके साथ दोबारा लाइन में लग गए। उस वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। पहले जो हमें दर्शन किए थे तो उस वक्त भीड़ नहीं थी, लेकिन इस वक्त आरती का टाइम नज़दीक आ रहा था इसलिए गुफा में बहुत भीड़ हो गई थी। सीढ़ियों पर भी लंबी लाइन लग गई थी। सभी लोग आरती में शामिल होना चाहते थे। हम भी इस मौके की तलाश में थे कि इतनी दूर से आए हैं, अगर मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। हम अंदर पहुँचे 5:30 बजे। 20-25 मिनट गुफा के अंदर रहे, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण वहाँ के स्टाफ ने हमें बाहर भेजने लगे और कहा कि अभी तो आरती का समय 6 बजे का है, अभी और 1/2 घंटा बचा हुआ है। बार बार उनके आग्रह करने के कारण हम लोग गुफा से बाहर आ गए। इस बात से प्रसन्न हो रहे थे कि आज हमें बाबा जी की 2 बार दर्शन करने का मौका मिला और अच्छे दर्शन हुए। और धीरे धीरे करके हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर आए। हम लोगों ने 7:00 बजे का हल्का दलिया का नाश्ता किया था। उसके अलावा आज दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था कि दर्शन के बाद खाएंगे। अब शाम के 6 बज चुके थे।
हम लोगों को भूख भी लग चुकी थी। गुफा से नीचे आते ही भंडारे लगे हुए थे, लेकिन ज़्यादातर भंडारों में शाम की चाय आदि मिल रही थी। वहीं एक भंडारे में चिल्ले मिल रहे थे, उसी से हम लोगों ने खाया और बहुत ही स्वाद लगे, और धीरे धीरे करके हम लोग अपने टेंटों की तरफ वापस आने लगे। रास्ते में हमें फ़ौज की एक टीम मिली, उनसे बात करने का मौका मिला, जो कि अमरनाथ गुफा के ऊपर पहाड़ से कहीं आ रहे थे और आगे की तक चेकिंग करने जा रहे थे। उनसे मिलके मनी मन बहुत प्रसन्नता हो रही थी। हमारी फ़ौज के कारण ही यह यात्रा सफल एवं भयमुक्त हो रही थी। बार बार हम लोग उनका धन्यवाद कर रहे थे और वह कह रहे थे कि यह तो हमारी ड्यूटी है। धीरे धीरे करके हम लोग अपने टेंटों में वापस आ गए। वहाँ पर कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग 8 बजे हमारे टेंट के ही सामने भंडारा लगा हुआ था उसमें भोजन करने के लिए गए। वहाँ पहुँचने के बाद हम एक दूसरे का धन्यवाद तथा बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे थे कि मौसम इन 4 दिनों में बहुत अच्छा रहा। कल सुबह हमें 6 बजे तक पालटाल के लिए निकलना था। हमने राजेश जी से मुलाकात की तथा उनके साथ कुछ फ़ोटो खिंचवाई। उसके बाद हम लोग अपने टेंटों में वापस आ गए और अपने टेंटों में आने के बाद हम बिस्तर में लेट गए और मनी मन बाबा भोलेनाथ का धन्यवाद दे रहे थे। सोच रहे थे कि आज के दर्शन बहुत अच्छे हुए और हमारी यात्रा अच्छी रही। सोचते सोचते पता ही नहीं चला कि कब निंद्रा की आगोश में आ गए। इससे आगे की यात्रा अगले एपिसोड में। धन्यवाद।